आज़ादी के अमृत महोत्सव और बंटवारे की विभीषिका के अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया आदमपुर शाखा ने किया एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन। भागलपुर में आज आज़ादी के अमृत महोत्सव और बंटवारे की विभीषिका के अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया आदमपुर शाखा में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज के कार्यक्रम में बैंक ऑफ इंडिया भागलपुर अंचल के आंचलिक प्रबंधक श्री राजेश कुमार ने इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया और बंटवारे के समय जो विभीषिका भारतीयों ने झेली इस पर विशेष जानकारी साझा की। श्री राजेश कुमार ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा किए गए कार्य को भी बखूबी याद किया। भागलपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे स्वतंत्रता सेनानी, पेंशनर्स और अन्य बुद्धिजीवियों ने इस कार्यक्रम में भाग लेकर के इसका शोभा बढ़ाया। बैंक ऑफ इंडिया आदमपुर शाखा की शाखा प्रबंधक श्रीमती ऋतु कुमारी और आंचलिक प्रबंधक श्री राजेश कुमार ने बुजुर्गों के बीच शॉल और उपहार वितरित किया। भागलपुर अंचल के विपणन विभाग के प्रबंधक श्री अहमद हुसैन और काशिफ अंसारी ने बैंक ऑफ इंडिया के विभिन्न ऋण योजनाओं जैसे होम लोन, वाहन लोन, बिजनेस लोन, गोल्ड लोन, शिक्षा लोन और अन्य बचत योजनाओं के बारे में काफ़ी विस्तार से समझाया और बताया। शहर के विभिन्न क्षेत्र से पधारे स्वतंत्रता सेनानी, बुजुर्गों और अन्य बुद्धिजीवियों ने बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किए गए इस प्रयास का भरपूर सराहना किया और उन्होंने इस तरह स्वतंत्रता सेनानियों और भारत के वीर जवानों को हमेशा याद करें इसकी काम। वो सारे हमारी कतारों में शामिल, वो सारे हमारी कतारों में शामिल, वो सारे हमारी कतारों में शामिल। मूर्ते मंदिरों की के भाई का कातिल बनी, जिनके निर्दोष सरयू उतारे गए, जो मनुज के हिफाजत में मारे गए, रोटियों के लिए जिन लिंका। आप बच्चों को प्रशिक्षण देते तो आइए सर के मुंह से दो शब्द। ये देश की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ हम पूरा करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा गौरव की बात है कि हम 75 साल पूरे किए और पूरे देश के अंदर में बड़े धूमधाम से ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये आज का जो है आज़ादी के पूर्व संध्या पे हम भागलपुर इप्टा की ओर से और ये तमाम देश के तमाम ये भारतीय जननाट संघ इप्टा जो है वो हर अपने स्तर पे ये कार्यक्रम, ये जश्न झूम झूम कर नाचो आज ये मनाया जा रहा है। हम झूम कर आज़ादी का जश्न भी मना रहे हैं, हम दुख सुख बांट भी रहे हैं और साथ ही साथ इस 75 साल पूरा होने पर हम इस पर एक समीक्षा भी करने जा रहे हैं कि हम ये 75 साल में क्या खोया और क्या पाया। हम कलाकार 1943 से लेकर और आज तक आजादी के लिए समाज में जो भी कुरीतियां हैं, जो भी वैमनस्या वैमनस्ता फैलाया जा रहा है, चाहे वो जाति के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो, भाषा के नाम पर हो, ये जो आपस में बांटने की एक बहुत बड़ी साजिश जो चल रही है, हम उस साजिश के खिलाफ कलाकार मिलकर एकजुट होकर के समाज के अंदर में शांति सद्भाव सबको एक अच्छा माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। उसी के तहत आज हमारा जो है ये कार्यक्रम है, हम जश्न भी मना रहे हैं और समीक्षा भी कर रहे हैं और सवाल भी हम जनता के सामने रख रहे हैं कि सही माने में क्या देश का अंतिम व्यक्ति सही में वो आज़ाद है, क्या उसे खाना सही से मिल रहा है, क्या बच्चों की पढ़ाई का कोई जिम्मा है, क्या अच्छा स्वास्थ्य की व्यवस्था है, क्या है, इस पे हम आज जनता के सामने लेकर के आए हैं। आज एक बड़ी तादाद में हमारे नौजवानों की, एक बहुत बड़ी बेरोजगारों की एक फौज खड़ी हो गई है। महंगाई जिस तरीके से आज 75 साल में एक चरम सीमा तक जो पहुंच गई है, आज आज़ादी के इस 75 साल में इस पर भी हम समीक्षा करने के लिए जमा हुए हैं।